नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा और आप देख रहे हैं अपनी डपली अपना राग। यूपी में मिशन 80 को लेकर बीजेपी ने अब कमर कस ली है। आज दिल्ली में पीएम मोदी फिर से यूपी के एनडीए के सांसदों के साथ बैठक करने वाले हैं। पूर्वांचल और अवध क्षेत्र के सांसदों के साथ मीटिंग रहेगी। पीएम मोदी अलग अलग चरण में सांसदों के साथ संवाद करेंगे। इस बैठक को 2024 की तैयारियों को लेकर काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि पीएम मोदी सांसदों को जीत का मंत्र देंगे। आज अवध, काशी और गोरखपुर क्षेत्रों के सांसदों के साथ बैठक करेंगे और लोकसभा चुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए तैयार की जा रही रणनीति पर चर्चा करेंगे। यूपी में एनडीए के 66 सांसद हैं, जिनमें 64 भाजपा और 2 अपना दल एसके हैं। पश्चिमी ब्रज और कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्रों के सांसदों के साथ होने वाली बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहेंगे। अवध, काशी और गोरखपुर क्षेत्र के सांसदों की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे। इस बैठक की मेजबानी केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे और अनुप्रिया पटेल करेंगी। भाजपा ने उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया है और प्रदेश की 14 सीटें पार्टी के कब्जे से बाहर हैं। इन सीटों को जीतने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी। तो आज काशी और अवध क्षेत्र की बैठक होनी है और काशी और अवध के जो एनडीए के सांसद हैं वो प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात करेंगे। बैठक होगी, जीत का मंत्र यहां पर प्रधानमंत्री देंगे। इससे पहले हमने देखा कि कुछ एनडीए के सांसदों की बैठक हो चुकी है और एक बैठक आज होनी है। काफी महत्वपूर्ण इस बैठक को आने वाले चुनावों के लिहाज से माना जा रहा है। शाम का 6:30 बजे का वक्त है। यूपी के सांसदों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक रहेगी। इससे पहले जब बैठक हुई प्रधानमंत्री की तमाम एनडीए के सांसदों के साथ, तब भी हमने देखा कि प्रधानमंत्री विपक्ष पर किस तरह से हमलावर नजर आए, चाहे वो यूपीए का नाम इंडिया करने को लेकर हो। और भी तमाम तरह के सवाल यहां पर प्रधानमंत्री ने उठाए। प्रधानमंत्री ये भी कह चुके हैं कि विपक्ष जो है दिशाहीन हो चुका है। ऐसा दिशाहीन विपक्ष मैंने नहीं देखा। चलिए सीधा रुख करते हैं पवन गौड़, मेरे सहयोगी दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं मेरे साथ। संकेत मिश्रा भी लखनऊ से हमारे साथ मौजूद रहेंगे। सबसे पहले पवन का रुख करेंगे। पवन, काफी महत्वपूर्ण आज की ये मीटिंग, शाम को 6:30 बजे जो ये मीटिंग होनी है, करीब कितने एनडीए के ऐसे सांसद हैं जो आज मुलाकात करने वाले हैं प्रधानमंत्री से और ये मीटिंग रहने वाली है? देखिए, तकरीबन 7 बजे ये बैठक शुरू हो जाएगी। अगर आज की जो बैठक है वो है काशी, गोरखपुर और अवध जो क्षेत्र हैं उनके एनडीए सांसदों की बैठक होने वाली है। तकरीबन 46 के आसपास जो सांसद हैं वो इस बैठक में रहेंगे, लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलाकर। तो ऐसे में इस बैठक के अंदर की अगर बात करें तो पहले 7:10 से लेकर 7:40 तक एक प्रेजेंटेशन दिया जाएगा इस बैठक के अंदर। वो वीडियो प्रेजेंटेशन में केंद्र और राज्य सरकार के कामों को बताया जाएगा। इस बैठक में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। उस प्रेजेंटेशन के जरिए सरकार के कामों को बताया जाएगा, किस तरह से, चाहे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हो या केंद्र की मोदी सरकार हो, वो किस तरह से जनता के हित के फैसले ले रही हैं, गरीब कल्याण की योजनाओं पर काम कर रही हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उज्ज्वला योजना हो या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो। उसके साथ साथ फिर जब समापन सत्र होगा उससे पहले सांसदों के साथ डिस्कशन किया जाएगा, चर्चा की जाएगी। अगर किसी का कोई सवाल है तो उसको लेकर पार्टी नेतृत्व की तरफ से उसको जवाब दिया जाएगा। उसके बाद में तकरीबन 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां जो मीटिंग स्थल है महाराज सदन वहां पहुंचेंगे और वो फिर जो तमाम जो सांसद हैं एनडीए के उनको संबोधित करेंगे। जैसे कि पिछली मीटिंग में आपने देखा कि प्रधानमंत्री ने सरकार की योजनाओं के साथ साथ विपक्ष को भी जमकर घेरा था और कहा था कि सिर्फ नाम बदलने से या चोला बदल लेने से हकीकत नहीं बदलती। जो यूपीए के ऊपर जो उनके सरकार के दौरान के जो दाग लगे हुए थे वो दाग अभी भी जनता के जेहन में जिंदा है। जनता को सब पता है किस तरह से यूपीए के समय पर जो पिछली सरकार है उन्होंने बहुत सारे भ्रष्टाचार के मामले उसमें सामने आए थे। तो ऐसे में प्रधानमंत्री लगातार अपने सांसदों को यह मंत्र दे रहे हैं कि वो जनता के बीच में जाएं और ज्यादा से ज्यादा संवाद करें। अगर आपसे कुछ कोई लोग नाराज भी हैं अगर आपके जो लोकसभा क्षेत्र में, तो उनसे मिलकर उनसे मुलाकात करके आप उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश करें। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री का खासा फोकस जो था कि वो स्थानीय मुद्दों पर ही फोकस रखने का था। सभी सांसदों से उन्होंने कहा कि आप देश और विदेश की बात छोड़कर जब अपने क्षेत्र में जाएं तो वहां के लोगों से स्थानीय मुद्दों पर बात
बातचीत करें कि किस तरह से उनके क्षेत्र का विकास केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के चलते हुआ है, किस तरह से अगर वहां कोई प्रसिद्ध जगह है, प्रसिद्ध स्थल है, तो उसका विकास कैसे हुआ है, वहां सड़कें कैसे बनी है। बिल्कुल पवन, यानी कि कुल मिलाकर जो सरकार की उपलब्धियां हैं उन्हें कैसे जनता तक पहुंचाना है, इसी को लेकर खाका तैयार किया जा रहा है, रणनीति बनाई जा रही है। संकेत मिश्रा भी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। संकेत, 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया है बीजेपी ने। 66 पहले से सांसद है, लेकिन 14 ऐसी सीटें जहां पर अभी बीजेपी के कब्जे से ये बाहर है ये सीटें। क्या रणनीति इन्हें लेकर बनाई जा रही है, क्योंकि कुछ सांसदों से तो एक बार मुलाकात हो भी चुकी है, बैठक हो भी चुकी है, लेकिन बाकी के जो सांसद हैं उनसे आज मुलाकात होनी है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाहिर सी बात है 2024 की तैयारियों को लेकर भी बातचीत कर रहे हैं, और इसके अलावा मंत्र दे रहे हैं। जो पिछले दिनों बैठक हुई है प्रधानमंत्री मोदी के साथ में सांसदों की उत्तर प्रदेश के, उसमें पीएम मोदी ने सीधे तौर पर उन सांसदों से कहा कि आप लोग अपने क्षेत्र की जो बड़ी समस्याएं हैं, ऐसी दो समस्याएं सीधे लेकर आम जनता के वो समस्याएं पार्टी संगठन को उन समस्याओं से अवगत कराएं। और ये एक और यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक में सीधे तौर पर यह भी कहा कि अपने सांसदों को कि जो स्थानीय स्तर पर जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर काम करें, और अपनी पहचान यानी कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी उन्होंने सांसदों से बोला कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम को या मोदी के नाम या अपने काम से अपनी पहचान बनाए, सांसदों को यह मंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए। सीधे तौर पर उन्होंने यह भी कहा कि टिकट कटना कटने से ना घबराएं, अगर टिकट कटता है तो बेहतर जगह दी जाएगी, यानी कि एक मौका दिया जाएगा ऐसे लोगों को। उन्होंने उन सांसदों को भी कहा कि जो टिकट कटने के डर से साथ नहीं बैठना है, काम करना है अपनी लोकसभा के क्षेत्र में आम और सीधे आम जनता की जो समस्या है वो उनको दूर करना है, और जो बड़ी समस्याएं क्षेत्र की हैं वो ऐसी समस्याओं की बाकायदा सूची बनाए और भारतीय जनता पार्टी के संगठन को दें। बिल्कुल, इसकी तैयारी बीजेपी पूरी तरह से कर रही है, जो दिखाई दे रहा है लगातार बैठकों का भी अलग अलग जगहों पर हम देख रहे हैं, बूथ लेवल पर भी बैठकें हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका संकेत मिश्रा तमाम जानकारी के लिए, और पवन गौड़ आपका भी बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्षी दलों को निशाने पर लिया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि विपक्ष मणिपुर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार नहीं है, विपक्षी नेता चर्चा से भाग रहे हैं और संसद की चर्चा में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, और विपक्ष की तरफ से ये चर्चा नहीं की जा रही है, संसद को गंभीरता से नहीं लेता है विपक्ष। मणिपुर जाने वाले विपक्ष के नेताओं को पश्चिम बंगाल और राजस्थान भी जाना चाहिए, ये भी अनुराग ठाकुर ने कहा। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है माननीय विपक्ष के सांसदों की कि मणिपुर तो जा सकते हैं लेकिन बंगाल नहीं जाएंगे, राजस्थान नहीं जाएंगे और ना ही पार्लियामेंट में आके चर्चा में भाग लेंगे। ये अपने आप में दिखाता है कि केवल राजनीति राजनीति और राजनीति हो रही है और चर्चा से भागा जा रहा है, लेकिन सड़क पे प्रदर्शन करके चर्चा में बने रहने का हर संभव प्रयास। आगे बढ़ते हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी नू घटना की निंदा की है। मायावती ने सीधे हरियाणा सरकार को निशाने पर लिया और कहा कि हरियाणा सरकार की कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल साबित हुई। मणिपुर की तरह ही हरियाणा राज्य में भी कानून व्यवस्था काफी बुरी तरह से ध्वस्त है तथा वहां की सरकार का खुफिया तंत्र भी निष्क्रिय है, जो ये हर प्रकार के अति दुखद दुर्भाग्यपूर्ण व काफी चिंताजनक भी है। आगे बढ़ते हैं। नू हिंसा के बाद यूपी पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया है, डीजीपी ऑफिस से अलर्ट जारी किया गया है और जिले में फुट पेट्रोलिंग के निर्देश दिए गए हैं, सभी धर्मगुरुओं से बातचीत करने के भी निर्देश दिए गए हैं, सोशल मीडिया पोस्ट पर निगरानी बरती जा रही है, आपत्तिजनक पोस्ट पर कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं। और हरियाणा के मेवात और नू में हुई हिंसा के विरोध में नोएडा में बजरंग दल ने प्रदर्शन किया है। नोएडा स्टेडियम से सेक्टर 27 तक प्रदर्शन किया गया, पुतला फूंका गया, इस दौरान सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त यहां पर देखने को मिले। तो देख सकते हैं तस्वीरें आप नोएडा की, नोएडा तक ये आग पहुंच गई है, और जो नू मेवात में हिंसा हुई और उस दौरान सरकार का जो फेलियर माना जा रहा है, पुलिस के जवानों पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर उनकी मौजूदगी में कैसे इतने बड़े लेवल पर हिंसा हो जाती है।
धारा 144 हालांकि लागू की गई है, लेकिन नोएडा में ये प्रदर्शन आप देखिए उसी के खिलाफ। नूर मेवाड़ की हिंसा के बाद यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है और आप देखेंगे उत्साह फूका जा रहा है। इस समय हम बीएम चौराहे सेक्टर 27 पर मौजूद है और यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। बताया था जिस तरीके से नूर मेवाड़ में हिंसा हुई है उसको लेकर हिंदू संगठन बजरंग दल यहाँ पर प्रदर्शन कर रहा है। नोएडा स्टेडियम से ये प्रदर्शन शुरू हुआ था और बीएम चौराहे सेक्टर 27 पर आ गया है। आप देखेंगे इस समय चौराहे पर मौजूद है और ये पूरा चौराहा ब्लॉक कर दिया गया है और इस तरीके से यहाँ पर पोस्टर लगाया गया है बजरंग दल को लेकर और यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि ये पूरा चौराहा जो है वो बंद कर दिया गया है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स है, पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट है ताकि यहाँ पर प्रदर्शन उग्र ना हो, लिहाजा लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सुरक्षा के लिहाज से प्रदर्शन जो चल रहा है उसको शांतिपूर्ण तरीके से कराया जाए, इस पर जोर दिया गया और भारी संख्या में पुलिस फोर्स डिप्लॉयमेंट किया गया है। कई थानों की फोर्स मौजूद है और आप देखेंगे ये पूरा चौराहा जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है। फिलहाल यहाँ प्रदर्शन चल रहा है, आला अधिकारी अफसर मौजूद है। जिस तरीके से हिंसा नू मेवात से होते हुए गुरुग्राम तक पहुंची है और फिर दिल्ली से जो सटे बॉर्डर है वो सील कर दिए गए हैं उसको लेकर यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। फिलहाल आप देखेंगे कि यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है सेक्टर 27 डीएम चौराहे पर यहाँ पर पुतला फूंका गया है और सैकड़ों की संख्या में बजरंग दल कार्यकर्ता हैं। फिलहाल पूरा प्रदर्शन शांतिपूर्ण हो इसको लेकर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भारी संख्या में पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। कैमरामैन मुन्नू के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज 18 नोएडा। गाजियाबाद में भी हरियाणा के नूह में हुई हिंसा के विरोध में प्रदर्शन किया गया है। वीएचपी और बजरंग दल ने कई जगहों पर प्रदर्शन किया है। इंदिरापुरम में प्रदर्शन के दौरान इस्लामिक जिहाद का मुद्दा भी यहां पर काफी बढ़ गया और इस्लामिक जिहाद का पुतला फूंका गया। चौराहे पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। इस दौरान पुलिस ने सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए हुए थे। ये विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की तरफ से प्रदर्शन था नूह में जो परसों हुआ है। जिहादियों ने जो हमला किया हमारी शोभा यात्रा पे, हमारी बहुत आदिकालीन शोभा यात्रा निकलती है, आदिकालीन लल्लन महादेव मंदिर है उसमें से विश्व हिंदू परिषद की शोभा यात्रा निकलती है। इस वर्ष भी हर वर्ष की भांति शोभा यात्रा निकल रही थी तो इन्होंने घात लगा के हमला किया है और सारे लोग सारे जिहादी पहाड़ियों पे चढ़े हुए थे। आगे बढ़ते हैं। बलरामपुर में शिया धर्मगुरु मौलाना सैयद ने सीएम योगी आदित्यनाथ को देवता बताया है। भू माफियाओं को चेतावनी देते हुए शिया धर्मगुरु ने कहा है कि यूपी में जिस तरह की हुकूमत है और उसका नाम योगी महाराज है। दरअसल बलरामपुर नगर क्षेत्र में सैयद मोहम्मद रफीक काजमी का 100 साल पुराना इमामबाड़ा है जो शिया समुदाय के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। आरोप है कि इस इमामबाड़े का सुनियोजित षड्यंत्र के तहत कूट रचित दस्तावेजों के जरिए फर्जी बैनामा करा दिया गया और उस पर ताला लगा दिया गया। इस इमामबाड़ा के फर्जी बैनामे का आरोप जेल में बंद पूर्व सांसद रिजवान जकीर के कथित भांजे सुहेल के ऊपर लगा है। इमामबाड़े के फर्जी बैनामे को लेकर शिया धर्मगुरु ने कहा कि इस पर किसी भूमाफिया को कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। बात है तुमको मालूम नहीं, आज जो शख्स की हुकूमत है जिसका नाम योगी महाराज है वो ऐसा देवता है कि जो अपनी मंजिल के एतबार से मैं योगी जी से ये मेरी बात योगी जी तक पहुंचाई जाए। ए योगी जी, आपने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, बड़े बड़े भूमाफियों को मिट्टी चुका दी है, लिहाजा इन भूमाफियों को आपके हवाले कर रहा हूँ, ये आपकी नगरी है। और उमेश पाल हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। जिन हथियारों से उमेश पाल और दो सरकारी गनर की हत्या की गई थी उन हथियारों की एफएसएल रिपोर्ट अब आ गई है और इस रिपोर्ट से साफ हो गया है कि जिन हथियारों से उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया था वो सब अतीक के थे और उमेश पाल की हत्या के बाद शूटरों ने इन हथियारों को अलग अलग जगहों पर बैग में छुपा दिया था, जिनमें से दो बैग तो पुलिस को मिल गए थे, तीसरे की तलाश पुलिस कर रही है। 24 फरवरी को उमेश पाल को अतीक के पीछे और उसके शूटरों ने गोलियों की बौछार करके मौत के घाट उतार दिया था। इस वारदात में दो सरकारी गनर को भी गोली मारी गई थी जिससे दोनों गनर भी मारे गए थे।
वारदात में माफिया अतीक के बेटे और अतीक के सूत्रों ने विदेशी कॉल्ट पिस्टल का इस्तेमाल किया था और उमेश पाल के शरीर में और एक गनर के शरीर में जो गोली मिली वो इसी कॉल्ट पिस्टल से निकली हुई थी। और आगे बढ़ते हैं, इसी बीच एक बड़ी खबर लखनऊ से। मंत्री जयवीर सिंह की गाड़ी पर एक्शन लिया गया है, ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई की है। नो पार्किंग जोन में खड़ी गाड़ियों पर एक्शन लिया गया, विधानसभा मार्ग नो पार्किंग में खड़ी हुई थी और गाड़ी नो पार्किंग जोन में खड़ी होने की वजह से अब यह एक्शन लिया गया है। विधानसभा मार्ग नो पार्किंग में खड़ी हुई थी मंत्री जयवीर सिंह की गाड़ी। और खबरों में यह वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।